उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को स्वच्छ बनाने की मुहिम डीएम नेहा शर्मा ने शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने मेरा गोंडा मेरी शान अभियान की शुरुआत की। डीएम ने स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और इसके साथ ही आम जनमानस से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। देखिए, ये अभियान जो है, ये मेरा गोंडा मेरी शान, हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर है। और खास तौर पे इसमें आज का जो वृहद अभियान है वो लखनऊ से गोंडा आने वाली सड़क पर पूरे 1000 सफाई मित्रों के माध्यम से इसको संपादित किया जा रहा है। कुल 73 जोन्स में हमारे अधिकारी इसको पूरा अपना सुपरविजन दे रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य निश्चित तौर पे स्वच्छता है, चाहे वो पटरियों की सफाई हो, डंप्स हो, कचरे के ढेर हो, या रोड की भी जो खराब हालत है, उन सारी जो चीजों पर देखते हुए स्वच्छता का ये कार्य जो है इसको आज शुरू किया गया है। इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। 4 तारीख को ये शहर और कस्बों में भी, आंतरिक गलियों में भी इंटेंसिव कैंपेन चलाया जाएगा। तो ये निरंतर चलाया जाएगा। आगे हम लोग पेंट माई सिटी भी लेकर आएंगे, जिससे हमारे शहरों की जो एक सौंदर्यकरण की तरफ पहल है उस तरफ भी। मेरा गोंडा मेरी शान अभियान के तहत गोंडा लखनऊ मार्ग पर 45 किलोमीटर हाईवे को स्वच्छ किया गया। हाईवे के किनारे पटरियों और डिवाइडर को साफ सुथरा बनाया गया। इस अभियान में मंडलायुक्त, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सरकारी अफसर सहित तमाम संगठन के लोग और स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं देवीपाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर कूड़ा कचरा वाहन को रवाना किया और सफाई मित्रों के उत्साह वर्धन के लिए उनके साथ खड़े दिखे। स्वच्छता के बारे में कहीं लिखा गया कि स्वच्छता जन सामान्य को परमात्मा के करीब ले जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। परमात्मा को हमने किसी ने अपनी आंख से देखा नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि अगर आप स्वच्छ हैं तो आप परमात्मा के नजदीक हैं। ये बहुत अच्छे प्रयास या शुरुआत हो रही है। मैं इस पहल में आने के पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं सबसे आग्रह करूँगा कि हम लोग अपने घर से इसकी शुरुआत करें। आप देखिए, बड़ा सुंदर सा घर बनाते हैं, लेकिन अंदर घुस जाइए तो आदमी का लगेगा भाई तो बड़ा गंदा लग रहा है। सड़क के किनारे देखिए बड़े अच्छे अच्छे ढाबे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ उनके टॉयलेट पे चले जाइए या उनके यहाँ बैठने की स्थिति देखिए, तो स्थिति बहुत गंदी रहती है। स्वच्छता मात्र सरकार का विषय नहीं है, इसको एकदम दिल दिमाग में, पूरे जीवन में इसको कार लेना है। ये होगा कि ये तो बहुत अच्छा अभियान है। सारी सड़कों को नेहा ने बताया था कि उनका प्लान है कि इसके बाद ये जो अयोध्या को सरयू घाट को जोड़ता है उसको भी ठीक करेंगे, बलरामपुर तक की जो सड़क है उसको भी काम करेंगे, बहराइच वाले मार्ग पर भी कार्य करेंगे, सारी चीज़ों पर कार्य करेंगे। और मैं यानी कि इस प्रयास से प्रभावित होकर मैं अपने मंडल के तीनों जिलाधिकारियों से भी आग्रह मैंने किया है। बहरहाल स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में केंद्र सरकार कई तरह के अभियान चलाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को स्वच्छ बनाने की मुहिम खुद नेहा शर्मा ने अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि स्वच्छता अभियान को लेकर गोंडा शहर के लोग कितने जागरूक होते हैं। लाइव इंडिया के लिए गोंडा से मनोज सिंह की रिपोर्ट।